आप जो रहा सी 24 कलाक छो अपनी साथे जूही सौथी पहला राज्यनी टॉप 10 खबरों पर नजर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आतीकाल 3 दिवस गुजरात प्रवासे, आतीकाल रात्र अमित शाह पहुंचे अमदावाद, विकास कार्यों खातमुहूर्त और भगवान जगन्नाथ ना दर्शन करते अमित शाह। गुजरात प्रवास दरमियान बोपल, घुमा, विजलपुर, साबरमती, नवावाड़ज, विजलपुर में विकास कार्यों खातमुहूर्त ने लोकार्पण कार्यक्रमों करते। साथ ही अमित शाह सानंद एपीएमसी में 40 करोड़ विकास कार्यों खातमुहूर्त और लोकार्पण करते। एक महीना में केंद्रीय गृहमंत्री बीजो गुजरात प्रवास, गुजरात प्रवास दरमियान 12 जुलाई केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जगन्नाथ मंदिर में सहपरिवार साथ मंगला आरती में हाजर रहते। 12 जुलाई गांधीनगर स्थित यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में उपस्थित रहते। त्यारबाद 13 जुलाई केंद्रीय गृहमंत्री सवारे दिल्ली जवा रवाना थशे। अमदावाद में 144मी भगवान जगन्नाथ तीर्थयात्रा की प्रशासने शुरू करी तैयारी। आ वर्षे भक्तों नहीं जोड़ाई शके। 11 जुलाई भगवान सोनावेश धारण करशे, गजराज और रथ की पूजा थशे। त्यारबाद सांजे विशेष आरती थशे, जेमा मुख्यमंत्री और नायब मुख्यमंत्री हाजर रहेशे। 12 जुलाई की मंगला आरती सवारे 4 वागे थशे, जेमा गृहमंत्री अमित शाह हाजर रहेशे। भगवान ने विशिष्ट भोग धरावी सवारे 7 वागे पहिंद विधि थशे। रथयात्रा में वर्षे क्यांय प्रसाद नु वितरण नहीं कराय। सरसपुर में रथयात्रा मात्र 5 मिनिट माटे रोकाशे। रथयात्रा संपन्न थया बाद भक्तों तेमना दर्शन करी शकशे। अमदावाद में 144मी रथयात्रा शांतिपूर्ण रीते निकले छे, माटे पुलिस नो चुस्त बंदोबस्त। रथयात्रा में उच्च पुलिस अधिकारी तैनात रहेशे, जरूरी ब्रीफिंग करशे, जेमा 42 वधारे डीसीपी और 74 एसीपी तैनात रहेशे, तथा पीआई पीएसआई हेड कोंस्टेबल सहित काफलो बंदोबस्त में खड़े पगे रहेशे। 34 एसआरपी, 9 सीआरएफ और 1 चेतक कमांडो सहित तैनात रहेशे। दरियापुर विस्तार में 54 जेटला सीसीटीवी कैमरा, 72 धाबा पॉइंट साथ रथयात्रा बंदोबस्त अनुभवी पुलिस अधिकारी खड़े पगे रहेशे। आ रथयात्रा में 8 जेटला आईजी पण तैनात करवामां आवशे। अमदावाद में जगन्नाथ रथयात्रा ने मंजूरी मळता तेनी तैयारियों आखरी ओप आपवामां आव्यो। आजे गृहराज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजाए जगन्नाथ मंदिर पहुंची दर्शन करी बैठक योजी। बैठक बाद प्रदीपसिंह जाडेजाए रथयात्रा रूट नु निरीक्षण कर्यु, साथे रथयात्रा पुलिस बंदोबस्त और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करी। मंदिर परिसर में क्राइम ब्रांच और स्थानिक पुलिस बंदोबस्त गोठवामां आव्यो। कोरोना संक्रमण वच्चे नियमों आधीन केटलाक शहरों में रथयात्रा माटे मंजूरी आपवामां आवी, तो केटलाक शहर में रथयात्रा न काढ़वानो निर्णय करवामां आव्यो। राजकोट में मर्यादित लोगों साथे टूंका रूट पर भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकलशे। पाटण में कोरोना की गाइडलाइन पालन साथ बपोरे 2 कलाके भगवान जगन्नाथ की 139मी रथयात्रा निकलशे। भावनगर में भगवान जगन्नाथ जी की 36मी रथयात्रा में मर्यादित लोगों और वाहनों जोड़ाई शकशे। बीजी बाजु आ वर्षे जूनागढ़, अंबाजी और अरवली में रथयात्रा नहीं उजवानो निर्णय करवामां आव्यो छे। उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 3 दिवस गुजरात प्रवासे छे। आनंदीबेन पटेल भोपाल थी अमदावाद पहुंचा, पारिवारिक कारणों थी गुजरात प्रवासे आवे आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन मध्यप्रदेश नवा राज्यपाल ने शपथ बाद गुजरात आया। मंगूभाई पटेल ने मध्यप्रदेश राज्यपाल बनावामां आव्या छे। अत्यार सुधी मध्यप्रदेश राज्यपाल ने पण जवाबदारी आनंदीबेन पटेल पासे हती। पाटणना राधनपुर शहर भाजपा प्रमुख कल्पेश ठक्कर पर पोतानी माता ने घरे थी काढ़ी मूक्या होवानो आरोप छे। पिताना मृत्यु बाद माता पासे तमाम मिलकत पर सही करावी पोताना नामे करी नाखी। तरछोड़वामां आवेली माता पोतानी पुत्री साथे रहेवा माटे मजबूर बन्या छे। शहर भाजप प्रमुखना माताए सिद्धपुरना प्रांत अधिकारी ने लिखितमां रजूआत करी भरण पोषण की मांग करी छे। उद्योगपति और भाजप शहर प्रमुखे माता ने छोड़ता अनेक सवाल उभा थया। यूथ कांग्रेस उपप्रमुख पदे थी निखिल सवाणी ने हाकी काढ़वामां आव्या। निखिल सवाणी पद पर राजीनामु आपे ते पहला थई तेमनी हकाल पड़ती। निखिल सवाणी कांग्रेस मांथी राजीनामु आपवाना हता, त्यारे राजीनामा पहला गुजरात यूथ कांग्रेस प्रभारी हेमंत ओगले निखिल सवाणी ने डिसमिस कर्या। 3 दिवस पहला मळेली प्रदेश यूथ कांग्रेस की बैठक में चूंटणी नी उमरनी बाबते हुबाळो थयो, ज्यार बाद बे जूथ सामसामे आवी गया। अमदावाद यूथ कांग्रेस माथी सस्पेंड करायेला निखिल सवाणीए प्रेस कॉन्फरेंस करी, जेमां तेमणे कांग्रेस पर चौंकावनार आक्षेप कर्या। निखिल सवाणीए कह्युं के यूथ कांग्रेस मेम्बरशीप लॉन्चिंग समय जे थयुं ते पूर्व आयोजित हतुं। बैठक में उमर अंगे मारी अने गुलाबसिंह राजपूत वच्चे चर्चा चालती हती, त्यारे गुलाबसिंह अपशब्द बोल्या ने तेमना जूथे मारा पर हुमलो कर्यो।
निखिल सवाणी એવું પણ કહ્યું કે હું રાજીનામું આપવાનો જ હતો તે પહેલા મને ડિસમિસ કરવામાં આવ્યો। રાજુલાના ધારાસભ્ય અમરીશ ડેરના ખાંભામાં ધરણા। તાઉતે વાવાઝોડામાં થયેલા નુકસાનની સહાય ન મળતા ખાંભામાં તાલુકા કચેરી બહાર અમરીશ ડેરના ધરણા। મંજૂરી વગર રેલી કાઢી આવેદન આપવા પહોંચ્યા અમરીશ ડેર। ધરણા યોજાતા પોલીસ અમરીશ ડેરની અટકાત કરી વિરોધ કરવા મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થતા ગાઈડલાઈનના ધજા અગરાવડ્યા। ઉંઝાના ધારાસભ્યને એપીએમસીના ચેરમેન સામે ફરિયાદ। ધારાસભ્ય આશાબેન પટેલ એપીએમસીના ચેરમેન દિનેશ પટેલને તેમના પત્ની સામે ફરિયાદ થઈ છે। સમાધાન માટે દબાણ કરતા હોવાનો આરોપ છે। સમાધાન કરવા માટે ઘરે જઈને ધમકાવતા હોવાનો પણ આક્ષેપ છે। અરજદાર પ્રવીણભાઈને મુખ્યમંત્રી સી આર પાટીલને પ્રદીપસિંહ જાડેજા સાથે મળી સમાધાન કરી લે તેના માટે દબાણ કરતા હતા। અરજદારે સોલા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવી છે ફરિયાદ। बनासकांठा पाथावाड़ा मार्केटयार्ड में आज 16 डिरेक्टरों योजा चूंटनी। चूंटनी खेडूत विभाग व्यापारी विभाग और खरीद वेचाण विभाग 39 उम्मीदवार मैदान। पाथावाड़ा मार्केटयार्ड प्रमुख सबसी पटेल, पूर्व प्रमुख रेसाभा पटेल ने भाजपा पूर्व जिला मंत्री फाल्गुनीबेन त्रिवेदी पेनलों मैदान में है। 1547 जटा मतदाताओं मतदान करते। त्रणे पेनलों भाजप प्रेरित होवा चूंटनी रसाकसी भरी रहे। आती का मतगणतरी बाद परिणाम जाहिर थे। कोरोना संक्रमण घटता जीपीएससी गौण सेवा ने अन्य परीक्षा बोर्ड की परीक्षा। आज गौण सेवा पसंदगी मंडले अकाउंट ऑडिटर सब ट्रेजरी ऑफिसर 2019-20 की परीक्षा गांधीनगर और अमदावाद 129 केन्द्रों पर परीक्षा आयोजन है। गाइडलाइन पालन साथ केन्द्रों पर 46,966 उम्मीदवार परीक्षा में भाग लीधो। મોરબીના જેતપુર રોડ પર ટ્રિપલ અકસ્માત સર્જાયો। રિક્ષા સાથે બાઇક અથડાતા યુવાન રસ્તા પર પટકાવ। યુવાન પર ટ્રક ફરી જતા યુવાનનું ઘટના સ્થળે મૃત્યુ। ડબલ સવારીમાં બાઇક પર બેઠેલા યુવાનનું ઘટના સ્થળે મૃત્યુ થયું। મોરબી તાલુકા પોલીસને અકસ્માતની જાણ કરવામાં આવી। પોલીસે સીસીટીવીના આધારે ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી છે।